टीकमगढ़ में बड़ी संख्या में जैन धर्म की महिलाएं और पुरुष एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जैन तीर्थ स्थल पपौरा जी को लेकर उठे विवाद पर चर्चा की और ट्रस्ट पर लगातार एक ही परिवार के कब्जे को लेकर आपत्ति जाहिर की। बड़ी संख्या में जैन पुरुष और महिलाएं एसडीएम कार्यालय पहुंचे और वर्तमान अध्यक्ष और महामंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लगभग 45 साल से पपौरा जी ट्रस्ट पर एक ही परिवार का कब्जा है और गलत तरीके से लोगों के ट्रस्ट में नाम जोड़कर चुनाव करा लिया जाता है। समाज के नए लोगों के नाम इसमें नहीं जोड़े जाते हैं। विद्यासागर महाराज जी के प्रयासों से पपौरा जी में करोड़ों की लागत से प्रतिभा स्थली का शुरुआत हुई थी, ताकि सभी धर्म की छात्राएं यहां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, लेकिन ट्रस्ट की मनमानी की वजह से इसको भी अन्य जगह पर भेजा जा रहा है। जो माता जी पपौरा जी में निवास करती हैं, उन्हें चौका नहीं लगाया जाने दिया जा रहा। इसको लेकर विजय थेवरैया और विनय सुनवाह पर आरोप लगाए गए हैं। निराकरण नहीं होने पर समाज के लोगों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बात कही है। भैया जे हम लोगों की इस मामले में क्या आचार्य गुरुवर आए थे, उन्होंने हम लोगों को समाज जनों को प्रतिभा स्थली के नाम पर एक संस्था दी थी जी। उनके वजह से टीकमगढ़ की जैन समाज ने काफी, जिनकी गुंजाइश भी नहीं थी, उन लोगों ने काफी दान दिया। करीब 20-25 करोड़ रुपए प्रतिभा स्थली के लिए दिए थे, जिसमें हमारी छोटी छोटी बच्चियों के संस्कार मिले, पले बड़े वो अच्छे संस्कारित हों, तो उसकी पूर्ति पपौरा कमेटी नहीं कर सकी, उस पैसे का उन्होंने अव्यय किया है। पपौरा क्षेत्र हमारी परमार्थिक संस्था है जी। और परमार्थिक संस्था में हमारे शिक्षा, मुनि सेवा सारी चीजें आती हैं, जो कि मनमाने ढंग से काम हो रहा है और वो कार्य जो होना चाहिए वो कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो ट्रस्ट भंग हो सके, तो हम लोग नया ट्रस्ट जो तैयार होगा वो हम अपने गुरु जी की सेवा और बच्चों की शिक्षा, प्रतिभा स्थली का न्यास, हमारे न्यास का पूरा काम सही रूप में हम करवा सके। सर वहाँ पर 50 साल से पहले उनके दादाजी पिताजी थे, अब उनके बेटे हैं, और उन्होंने खुलेआम पपौरा जी मेले में बोला हुआ है कि अब उनका बेटा भी इसके लिए दावेदारी रहेगी उसकी। ऐसा उनका खुल्लम खुल्ला बोलना है कि ये हमारी एक तरह से उनकी बपौती हो गई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।